गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा लेसन चल रहा था आवर चेंजिंग अर्थ, इसी क्रम में आगे चलते हैं। हम देखिए, हम स्टडी कर रहे थे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक एक केस स्टडी, अर्थक्वेक का अध्ययन। तो अर्थक्वेक हिट्स भुज, भुज जगह का नाम है गुजरात में जहाँ पर भूकंप आया था। तो वहाँ पर क्या घटना घटी, तो देखिए ए मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव यानी विशाल, तो विशाल अर्थक्वेक आया था जिसका जो मेजरिंग माप कितनी थी 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल। जो भूकंप मापी यंत्र होता है उसकी माप, जिसको उसकी तीव्रता को मापते हैं, वो होता है रिएक्टर स्केल। हिट्स भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001 में आया था। काफ़ी हानि हुई थी वहाँ, बहुत तेज भूकंप था। पॉइंट टू देखा है स्कूल रॉस्ट अफेक्टेड, स्कूल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे क्योंकि 26 जनवरी का टाइम था, सारे बच्चे स्कूलों में थे। एटलीस्ट लगभग 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। 971 छात्र और 31 टीचर्स की जान गई लगभग लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। कोलैप्स यानी ढह जाना, गिर जाना स्कूल बिल्डिंग के ढह जाने से। भुज रिलीफ एफर्ट्स ब्लाइटेड, तो देखिए जो वो विनाश हुआ था भूकंप से, थर्ड पॉइंट में 3 days आफ्टर द क्वेक, भूकंप के 3 दिन बाद। कंसर्न रोज अबाउट फूड, संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको पता चला तो उन्होंने फूड, भोजन की व्यवस्था की, ब्लैंकेट्स कंबलों की एंड मेडिकल सप्लाईज और दवाइयों की सप्लाई की गई थी, नॉट रीचिंग एवरीवन, और वो भी प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंची। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, भुज में जो विनाश हुआ था क्या क्या हुआ, किस किस चीज़ में खराबी आई, फोन लाइंस, टेलीफोन की लाइनें ख़राब हो गई, वाटर पाइपलाइंस सब फूट गई, तहस नहस हो गई, पानी की सप्लाई जो थी वो डिस्टर्ब हो गई, एंड पावर स्टेशंस और बिजली के जो स्टेशंस थे वो सब तहस नहस हो गए। ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट, पूरी तरह से ठप हो गई, मतलब सारी व्यवस्था ठप हो गई, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट फाइव, फायर इन द सिटी, शहर में आग, आगजनी हो गई, मतलब चारों तरफ आग जैसा माहौल हो गया। हंड्रेड्स ऑफ फायर्स स्टार्टेड, कई सैकड़ों जगह पर आगें लग गई, चारकोल जो डामर होती है वो जलने लग गई, कुकर्स ओवरटर्न, और कहीं जो अपने अंदर गैस होती है खाना पकाते हैं उसमें से आग लग गई, कुकर्स ओवरटर्न, जैसे अपना कुकर होता है, ठीक है, तो वो चलते हुए गैस में से वो गिर गए, फट गए और गैस आग लग गई। सिक्स में इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, और पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी, आपातकालीन घोषणा लागू कर दी गई। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया जिससे कि कोई इधर उधर किसी प्रकार की हानि नहीं उठा सके। CM अपील्स टू द सेंटर, और मुख्यमंत्री ने भी अपील की सेंटर, केंद्र सरकार से सहायता के लिए। गुजरात अपील्स फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, कि हमें पैसे की सहायता की जाए केंद्र सरकार से। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर, डिजास्टर यानी मुसीबत से लड़ने के लिए हमारी सहायता की जाए। अगर देखिए बेटे, देखा है इसमें, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, कि भूकंप को जो किससे नापा जाता है, कैसे मापा जाता है, तो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, भूकंप मापा जाता है विद ए मशीन, एक मशीन के द्वारा, कॉल्ड ए सीस्मोग्राफ, क्या बोलते हैं उसको, सीस्मोग्राफ यंत्र होता है, उससे भूकंप को मापते हैं कि कितनी तेज भूकंप आया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, जो तीव्रता होती है, मैग्नीट्यूड मीन्स तीव्रता, तो जो अर्थक्वेक की, भूकंप की तीव्रता होती है ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल, तो वो माप होता है, वो होता है रिएक्टर स्केल, उस पर उसको मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे, ऑन द रिएक्टर स्केल एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस, मतलब जो माप पर 2.0 या उससे कम माप आए, कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल, जिसके बहुत कम महसूस किया जाता है, उसके झटके बहुत कम होते हैं। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज, 5 पॉइंट से ऊपर वाला जो झटके वाला अर्थक्वेक होता है
वो हानिकारक होता है, उससे नुकसान भी होता है, डैमेज यानी नुकसान फ्रॉम फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, मतलब इससे जो है चीज़ें गिरती है, थिंग्स फॉलिंग। ए 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड और 6.0 और उससे तीव्र, उससे और ऊंची जो तीव्रता होती है इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, उनको बहुत ही ताकतवर माना जाता है, वो झटके बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, कंसिडर्ड यानी माना जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ताकतवर। एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक और 7 या 7 से ऊपर वाला जो भूकंप होता है वो बहुत ही महाभूकंप होता है, ठीक है। तो ये रिक्टर स्केल जो सीस्मोग्राफ है, ये भूकंप मापी यंत्र का चित्र दे रखा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है इसमें, अर्थक्वेक अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब भूकंप जब आए तो उससे पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये प्रिपेयर्डनेस के बारे में दे रखा है, क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। तो देखिए अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, भूकंप के समय हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आए तो हमें कहाँ पर शरण या कहाँ छुपना चाहिए, शेल्टर यानी कि शरण या हमें किस जगह छुपना चाहिए। सेफ स्पॉट, सुरक्षित स्थान कौन सा होगा यदि भूकंप आए तो, अंडर ए किचन काउंटर, यदि हम रसोई में हैं तो हमको किचन का जो काउंटर होता है उस स्लैब के नीचे छुप जाना चाहिए, टेबल और डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, दीवार के सहारे या फिर किसी कॉर्नर में हमको छुप जाना चाहिए भूकंप के दौरान। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ पर हमें नहीं रुकना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए भूकंप के समय, फायर प्लेसेज जहाँ पर आग जल रही हो किसी स्थान पर तो वहाँ नहीं रुकना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भट्टियाँ चलती है, चिमनी जो होती है उनके पास नहीं रुकना चाहिए। विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड फिक्चर्स फ्रेम्स, उन खिड़कियों के पास जहाँ पर शटर लगी हुई है या फिर कांच शीशे या पिक्चर के फ्रेम लगे हुए हो, क्योंकि उनके गिरने से भी हमारी मौत हो सकती है, तो इस जगह से दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, किसके द्वारा, स्प्रेड अवेयरनेस, हमको जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों के बीच में, अमंगेस्ट योर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के बीच में, जानकारों के बीच में, एंड फैमिली मेम्बर्स और हमारे परिवार वालों के बीच में, एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और ये जागरूकता हमें फैलानी चाहिए कि हमें किसी भी समस्या का सामना करना चाहिए कॉन्फिडेंटली, बहादुरी से या विश्वास से, हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, मतलब मुकाबला करना चाहिए, नहीं कि भूकंप आ गया डर गए और हम टेंशन में आ गए हम कुछ नहीं कर पाए बचाव, इसलिए हमें बचाव का सामना करना चाहिए, हमको बचाव करना चाहिए, भूकंप के झटकों का सामना करना चाहिए, ठीक बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन, ओके थैंक यू, आज इतना ही।